हाँ ये दादा ये क्या चीज हाथ में पकड़े हैं? ये नाल, घोड़े की नाल। नाल है। पहले क्या करते हैं आप लगाने से पहले क्या क्या करते हैं? ये क्या क्या करेंगे इसमें? इसमें कीले लगेंगी, घोड़े की नाल में पैर में कीले लगेंगी। पहले कीले लगेंगी? हाँ, इसमें नाल में कील लगेगी। अच्छा, घोड़े की कील। कील कैसे लगाते हैं बताइए जरा, कील कैसे लगाते हैं? ये इसको यूं लगाते हैं, ये इस तरीके से लगता है। ये ऐसे किया, हाँ ठीक। इसके बाद घोड़ा जब आएगा जी तो क्या करेंगे? जब घोड़ा आएगा तो उसके नाखून बनने वाले, जैसे पैर में है तो उसके नाखून बनेंगे। नाखून? नाखून बनेंगे। नाखून कैसे बनते हैं? अच्छा, छुरी से। ये सबसे पहले बता रहे हैं ये चाचा। वही तो कह रहे हैं कि पूरा काम अभी देखा नहीं। हाँ चाचा, क्या नाम आपका? मेरा नाम वहाजुल हक। ये वहाजुल हक साहब हैं, ये लखनऊ में इमामबाड़े के साथ थे। ये देखिए, ये लगभग 1794 में ये इमामबाड़ा बना था, और उस समय अकाल पड़ा था। अकाल के समय राजा ने दिन रात लोगों को रोजगार मिले इसके लिए इमामबाड़ा बनाया था। तो दिन में कुछ लोग दिन में काम करते थे, कुछ लोग रात में काम करते थे। तो यहाँ बिना इक्के के, ये देखिए सामने जो ये तांगा है, ये बिना यहाँ जो भी आता है तांगा इक्का, और कुछ लोग जब खगड़ा भी कहते हैं तो उसे सवारी करते हैं। देखिए इनके औजार हैं, देखिए देखिए क्या छेनी है, क्या चीज, क्या औजार है आपके? छुरी। अच्छा छुरी, ये देखिए। कई साल से काम करते हैं? 50 साल। देखिए 50 साल से ये शाही सवारी है, शहंशाहों के समय से ये चल रहा है यहाँ के गाड़ियों से। अब कौन कौन से औजार है ये? छुरी नाखून के ऊपर, घोड़े के ऊपर ये चलती है। क्या चीज? घोड़े के ऊपर, सूंड के ऊपर, नाखून के निकाल, क्या निकालने के लिए क्या करते हैं ये? इसे क्या करते हैं? छुरी। हाँ, इसे क्या करते हैं? नाखून निकालते हैं पैर से। नाखून निकालते हैं? हाँ। अच्छा, जिससे कि नाल सेट हो जाए। हाँ। अच्छा अच्छा, फिर उसके बाद क्या करते हैं? नाल सेट होने के बाद में उसके कीले लग जाती है ये पैर में। पहले रेती इसका क्या काम है? इसका क्या काम है? इसका पैर, ये रेत है। हाँ। रेत लगता है नाखून के ऊपर। कील भी घिसता है ये। अच्छा, मतलब ऊपर जब कील ठोक देते हैं तो पहले कील काट के जम्बूर से कील को ऐसे काटा जाता है। कि अच्छा, कील काट के गिल काट के उसको ये मोड़ देते हैं करते। अच्छा, ये बता रहे हैं घोड़े का खुर कहते हैं, क्या कहते हैं? खुर। हाँ, घोड़ा में जैसे हम लोग जूता पहनते हैं, घोड़ा जूता नहीं पहनता है बेसिकली, उसका जो है उसमें जो है जो पुराना हो जाता है पहले उसको निकालते होंगे। उसको निकाल देते हैं पुराने को, पुराना जो है नाल को निकाल देते हैं। नई नाल में देखिए इस तरीके से छेद है, छेद, ये छेद है, छेद में ये कीले लगाते हैं, कीले लगा। ये क्या है? ये नाल है घोड़े की निकलेगी। ये पकड़ी, ये पुरानी नाल जो है निकालने में बड़ी मशक्कत करनी पड़ती होगी, पुरानी निकालने में दिक्कत नहीं होती है? कील से छेदी से छेदी करके। हाँ, जम्बूर से पकड़ के उसको निकालते हैं। ये पुरानी नाल जो है ये निकालते हैं, नई ठोकते हैं, और उसके पैरों में चारों तरफ रेती लगाते हैं, तब सेट हो पाती है। और कितने दिन में ये नाल बता दीजिए कि उसको ये कील लगाते हैं ऐसे करके? देखिए ये देखिए, देखिए जब ठोकते हैं तो ये इस तरीके से उल्टा उल्टा करके एक कील लगती है। एक आदमी घोड़े का पैर पकड़ता है, दूसरा ठोकता है। ये देखिए इस तरीके से ये ठोक, ये देखिए बड़ा मेहनत। हर उसमें एक साथ लगाते हैं कि कभी कभी किसी में? किसी में चार लगती, किसी में पांच, किसी में छह। क्या क्या चार पाँच अकेले? नहीं, एक साथ बदलते हैं या जिसकी जरूरत? एक एक पैर का अलग अलग बदलते रहते हैं? नहीं, एक एक पैर का, चारों भी बनते हैं, दो भी बनते हैं, जैसे जरूरत होती है। और कितने दिन बाद बदलना पड़ता है? छठे दिन, सातवें दिन, ये साथियों दसवें दिन। अच्छा, मतलब एक हफ्ते में एक बार बदलना जरूरी होती है। ये समझ लीजिए घोड़ा जब चलता है तो एक हफ्ते में चलते चलते घोड़े की नाल घिस जाती है, उसके बाद ये दोबारा बदलते हैं। शायद आप लोगों को मालूम नहीं हो
ये प्रक्रिया क्या है, ये देखिए संतोष यथार्थ, ये हूँ इमामबाड़े के सामने आपके लिए लेके आया हूँ। घोड़े की नाल कैसे लगाई जाती है, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, हम लोग शायद कल्पना नहीं करते कि कैसे सब करता हुआ, कैसे ये लोग करते होंगे। तो इन्हीं सब चीज़ों को लेकर आपके सामने हाजिर हूँ, जल्दी ही मिलता हूँ कुछ नया इस लखनऊ के सफरनामे में। धन्यवाद साथियों, फिर मिलूँगा।